छोड़ दो चाहे भले हमको, हम किंतु तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तुम मोड़ लो चाहे भले मुख को, हम स्वप्न में जितना मोड़ने वाले, हम स्वप्न में जितना मोड़ने वाले। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे रहोगे। ऐ मेरे प्रीतम, तुम हमारे ही रहोगे। पकड़ियो ऐ मेरे प्रीतम,
साची प्रीत की रीत निभा लो ए मेरे प्रीत तुम हमारे Yeah.
कुर्सी पर बैठे भक्तजन उनकी आवाज नहीं आ रही, सामने जो बैठे उनकी आवाज तो आ रही है, सबकी आवाज आनी चाहिए। कुर्सी वालों थोड़ा कमा के खा लो भाव से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। हम सब है रमण बिहारी के, प्यारे हम है रमण बिहारी के। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने देखा कि नारद जी के अंतकरण में एक अभिमान का तरु उत्पन्न हो गया है, मैं निश्चित रूप से इसको उखाड़ कर फेंक दूंगा, क्योंकि पन हमार सेवक हितकारी, मेरा प्रण है कि मैं अपने सेवक का कभी अमंगल नहीं होने दूंगा। आज इनके अंतकरण में अभिमान का अंकुर जन्मा है, निश्चित रूप से ये हमसे दूर ले जाएगा। ध्यान रखना, अभिमान भगवान से दूर ले जाता है और निरभिमानता भगवान के समीप लेकर आती है। जो जितना ऋजु होता है, जो जितना सरल होता है, निष्कपट होता है, वह उतना ही परमात्मा के निकट होता है। निष्कपट व्यक्ति परमात्मा के निकट होता है। लगा क्या किया जाए तो भगवान विष्णु देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर, हे परमेश्वर हे महादेव आप प्रसन्न हो जाइए। धन्यस्तम शिव धन्याते माया, आप धन्य हो, आपकी माया धन्य है, क्योंकि ये सर्व विमोहनी, ऐसा कौन है जिस पर ये माया अपना मोहन न डाल सके, सबको मोहित कर देती है। इसलिए रामचरितमानस में वर्णन है, ज्ञानी मूढ़ न कोय जब जही रघुपति करें, जिसके लिए भगवान जब जैसा करते उस समय वैसा ही होता है। वैसे तो निवेदन करूं, नारद तो केवल एक अभिनय कर रहे हैं, हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि कैसे अभिमान प्रविष्ट हो जाता है। तप का अभिमान हो जाए, विद्या का अभिमान हो जाए, बुद्धि का अभिमान हो जाए, विवेक का अभिमान हो जाए, जहां कोई अभिमान के चांस नहीं वह भी अभिमान हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, साधो सावधान, साधक को सावधान रहना चाहिए कि जहां अभिमान आने लगे तुरंत सावधान हो जाओ कि अभिमान का कारण क्या है। और जो भगवान के शरण हैं तो निश्चित रूप से भगवान उनका ध्यान रखते हैं। भगवान शंकर का स्मरण करके, परमात्मा का स्मरण करके भगवान विष्णु ने कहा, धन्यस्तुम मुनि शार्दूल, ए महात्मा आप धन्य हो, आप तो तप के निधि वाले हो, उदार धि वाले हो, आपके पास तप की निधि है, आपके पास तप की संबंधी हमारा संपत्ति है, और बहुत उदार बुद्धि वाले आप हो। अरे नारायण, जिसके जीवन में भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, उसके अंतकरण में कहां से कोई काम क्रोध अभिमान आ सकते हैं, काम आ सकता है। काम तो संसारियों के चित्त में आता है, आप तो वैसे ही वैराग्यशाली हो, और आप तो
भगवान के भक्त हो, भगवान के जानकार हो, तो आपके जीवन में कहां से महाराज जी आएगा? काम मोहादयो मुने, ये काम क्रोध मोह आदि तो संसारियों के अंतःकरण में आते हैं, तुम तो सचमुच में ब्रह्मचारी हो। नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वम, तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, ज्ञान वैराग्य से संपन्न हो, तुम्हारे में कहां से आ सकता है महाराज ये काम आदि? इसलिए अरे आपका जो ध्यान करे, आपका जो चिंतन करे, आपका जो विचार करे, उसके जीवन में काम नहीं आएगा। आपको यदि काम नहीं आया तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। इत्युक्ता वचो भूरी श्रुत्वा स मुनि सत्तम। महाराज ये मत, वैसे तो एक बात कहें, सचमुच में ध्यान रखना चाहिए, मर्यादा होती है। अपने से बड़ों के सामने बहुत ज़्यादा खिलखिलाकर हंसना भी नहीं चाहिए। हम लोगों को ये सिखाया गया कि गुरुजनों के सामने कैसे रहा जाए। अरे जो गुरुजन है उनके सामने यदि हंसना हो तो इतनी आवाज़ ना आए कि उनको सुनाई पड़ जाए। महाराज गुरुजनों के सामने तो चलना भी सावधानी से चाहिए, उनके चलने के अपने पैरों की ध्वनि भी उनको ना आए, आवाज ना आए। किंतु नारद जी महाराज तो हंस पड़े और बिजहास हृदय नत्वा, बड़े तेजी से हंसे। लगता है कि बिल्कुल परंपरा ही भूल गए कि परमात्मा के सन्निकट कैसे रहना चाहिए। अभिमान तो यही करता है ना, अभिमानी व्यक्ति फिर किसी को समझता नहीं। और हमने देखा कि जितने अभिमानी लोग होते हैं उनकी हंसी भी अलग ही होती है। उनकी हंसी में निराभिमानी व्यक्ति हंसता है तो मुस्करा कर हंसता है, मुस्करा दिया, दांत दिख गए, ज़्यादा ज़्यादा ओठों में प्रसन्नता आ गई। किंतु ये जो बिजहास बहुत तेजी से हंसना है, हृदय नत्वा प्रतिवाच्य बचो हरिम, प्रणाम करके महाराज हरि के सामने बोले, किम प्रभावा स्मरस्यान किम कृपा, महाराज मेरे सामने काम का क्या प्रभाव हो सकता है, क्योंकि आपकी कृपा मेरे ऊपर है। देखो कई बार ये कृपा शब्द का भी जो हम प्रयोग करते हैं उसमें भी अंदर अभिमान होता है, ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि तुम्हारी कृपा है या भगवान की कृपा है। कई लोगों को बोलने की आदत हो जाती है, वो अनुभव नहीं करते हैं कि जो घटना हमारे जीवन में घट रही है उसका अनुभव करना चाहिए कि सचमुच में कृपा है। केवल वाणी से नहीं बोलना चाहिए कि कृपा है कृपा है कृपा है, उसका अनुभव करो कि भगवान की सचमुच में हमारे ऊपर कृपा है। ये तो ऊपर ऊपर से ही बोले और कहा कि इसमें तुम्हारा स्वामिन कृपा यद्यस्ति ते मई, आपकी कृपा हमारे ऊपर है इसलिए हमारा कौन क्या कर सकता है। भगवान ने हमारा संकल्प कर लिया कि इनका ऑपरेशन करना है और ये जो वहाँ से निकले, हमारे सूत जी महाराज से सोनक आदि महात्माओं ने पूछा कि सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते, आप तो वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हो, आपको नमस्कार है, आपने बड़ी अद्भुत कर कथा सुनाई और बहुत अच्छे ढंग से वर्णिता कृपया ही न, कृपा करके ये चरित्र आपने हमको सुनाया, किंतु मनौ मुनौ गते हरिस्तात किंचकार तथ परम, महात्मा के जाने के बाद हरि ने क्या किया, नारदोपि गता कुत्र, नारद जी महाराज भी कहाँ गए, ये सब करके सुना करके घटना बाद में क्या घटी, आप कृपा करके हमको बताओ। हमारे वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि ये सुनकर के सूत जी महाराज जो बड़े पुराण की कथा कहने वालों में उत्तम है, प्रतुवाच शिवम स्मृत्वा, भगवान शंकर का स्मरण करके जो नाना श्रुतिकर्म विहु, नाना प्रकार महाराज विद्या के जानकार ऐसे बुद्धिमान सूत जी महाराज ने कहा कि जब मुनि जी महाराज वहां से निकले तो शिवेच्छया चकार आसु मायाम माया विशारद, जो माया विशारद श्री हरि हैं उन्होंने महाराज माया का विस्तार कर दिया। देखो माया शब्द का नारायण अर्थ तो यही है कि जो है कुछ नहीं और दिखाई दे सब कुछ, उसका नाम माया है। माया विशारद प्रभु ने माया क्या की, रास्ते में जहाँ ये निकल कर के जा रहे थे
वहां एक बहुत विशाल नगर बना दिया। और ये विशाल नगर महाराज ऐसा नहीं था, सत योजन 100 योजन का था। एक योजन में बंधुओं 4 कोस होते हैं और एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, अर्थात एक योजन में कितने किलोमीटर हो गए, 12 किलोमीटर, 6 6 दुनी 12, 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। अब आप गणित लगा लीजिए कि 100 योजन है तो कितना किलोमीटर का नगर हो गया, 1200। आप जरा विचार करिए, ये बंबई से भी बड़ा हो गया, बंबई तो 120 किलोमीटर में ही लगभग है। कितना महाराज विशाल नगर बना दिया। अगर बुद्धि सही होती तो विचार करते कि इस रास्ते से हरदम गुजरते रहे हैं, आज तक तो ये नगर कभी दिखा नहीं, ये दिखा है तो कोई धोखा है। अगर किसी ने बनाया भी होता तो नगर 2-4 कमरे बन जाए, 2-4 मकान बन जाए, अभी इसी रास्ते से हम गुजरे थे, कम से कम इतना विचार तो हो कि इसी रास्ते से अभी गए थे, अभी यहां से लौट करके जा रहे, इतना विशाल नगर कहां से बन गया। और कहते हैं अद्भुतम सुमनोहरम, बड़ा अद्भुत नगर था और मन का हरण करने वाला नगर था। उसमें इतना हमारा सुविधा का विस्तार था, इतने सुंदर सुंदर बगीचे थे, मंद सुगंध सुरभि पवन बह रही थी और पक्षी कलरव कर रहे थे, पूरा नगर सजाया गया था, बावड़ियों को सजाया गया, रास्तों को सजाया गया, रथों को सजाया गया, वृक्षों को सजाया गया, सब दिव्य नगर था। इन्होंने पूछा कि कौन सा नगर है, आप जरा बताइए तो सही, नगर का नाम क्या है। तो लोगों ने बता दिया, महाराज इस नगर का नाम विश्वमोहन नगर है और इसके राजा कौन है, बोले शील निधि राज के राजा हैं। अच्छा इतना नगर सजाया क्यों गया है, बोले शील निधि की जो कन्या है महाराज उसका ब्याह होने वाला है, उसका नाम श्रीमती है, विश्वमोहनी तास कुमारी, उसकी जो कुमारी है विश्व को मोहन करने वाली है। अब जरा विचार करने लायक है, कन्या का ब्याह होने वाला है तो बाबा जी तुमको तो निमंत्रण मिला नहीं, तुम काहे को पहुंचे वहां। हमारे गुरुदेव कहते थे कि महात्मा को कभी ब्याह में नहीं जाना चाहिए, कभी भी क्यों नहीं जाना चाहिए, और बुलाना भी नहीं चाहिए भक्तों को, महात्माओं को ब्याह में मत बुलाओ, क्यों, हाँ कोई मरण हो गया हो तो उसमें बुला लो कि आ जाओ भाई हमारे यहां कैसे हो गया है। ब्याह में इसलिए नहीं बुलाना चाहिए कि ब्याह का माहौल श्रृंगार प्रधान होता है और महात्मा का जीवन वैराग्य प्रधान। तो हमारे गुरुदेव तो कहते थे दोनों तरफ से घाटा है, दोनों तरफ से घाटा कैसे है कि महाराज बारात में यदि महात्मा जी गए और महात्मा जी के सम्मान को देखकर, क्योंकि गुरु जी है तो सब ध्यान रखेंगे, उनका बाप भी ध्यान रखेगा, मैया भी ध्यान रखेगा, तो सब कोई ध्यान इनका रखे, तो कहीं दूल्हा को हो जाए कि महात्मा जी का इतना ध्यान रखा जाता है तो अपने राम महात्मा ही बन जाए, तो महात्मा बिगड़ा कि हमारा दूल्हा, बारात बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी, चांस है जी, ऐसा नहीं कि चांस नहीं, कम चांस है वैसे, किंतु चांस है। इतिहास में वर्णन है एक रज्जब जी थे, बड़े भक्त थे, वो जा रहे थे ब्याह करने के लिए और संतों का सत्संग करते थे, तो जहां से निकल कर जा रहे थे बड़े बड़े संत सत्संग कर रहे थे, तो इनको लगा चलो संतों को प्रणाम करके जाएं, घोड़ी पर चढ़े थे और बिल्कुल दूल्हा का वस्त्र पहने थे, जो जाकर प्रणाम किया तो दादू आदि संत बैठे थे बड़े सिद्ध, उन्होंने कहा कि रज्जब तूने गज्जब कियो, सर में बांधो मोर, रज्जब तूने गज्जब कियो सर में बांधो मोर, आयो तो हरि भजन को कियो नरक में ठौर। महाराज बात लग गई और फिर बारात में गए ही नहीं, पूरे जीवन भर दूल्हा बन के ही रहे, ब्याह नहीं किया और भजन करते रहे, का इस भेष के कारण हमको ये चोट लगी, अगर ये भेष नहीं होता तो ये चोट नहीं लगती और तुम्हें महात्मा नहीं बनता तो इस भेष से भी प्रेम।
और हमारे गुरुदेव तो एक बात और भी कहते थे, कहीं दूल्हा की मौज मस्ती को देखकर, सम्मान को देखकर, कहीं बाबा जी का मन दूल्हा बनने का हो गया तो बाबा जी बिगड़े जी। चांस हैं, आप लोग ये मत समझना कि चांस नहीं है। पुराणों में तो ऐसी ऐसी कथाएं बाबूजी, एक सौभरी ऋषि की कथा हम लोगों के तो बस का भी नहीं है। हजारों वर्ष जमुना के जल में प्रविष्ट होकर साधन भजन किया और एक मछली के मैथुन को देख लिया, मनुष्य के भी नहीं, और ब्याह करने का मन हो गया कि मैं ब्याह करूंगा। तो कब कहां कैसे जीवन में कौन सा संस्कार पैदा हो जाए कुछ पता नहीं है। हमारे एक महात्मा कहते थे कि जब तक मरघट में नहीं पहुंच जाना तब तक अपने ऊपर विश्वास नहीं करना कि हम अभी महात्मा बन गए हैं। मरघट के पहुंचने तक भी पतन का डर है जी, जब तक शरीर में प्राण है तब तक पतन का डर है। इसलिए सजगता सावधानी ही इसका साधन है और कुछ नहीं है। इसलिए महात्मा को वहां नहीं जाना चाहिए, किंतु महाराज ये तो वहां चले गए। एतादृशम पुरम दृष्ट्वा मोहम प्राप्तो च नारद, उस नगर को ही देखकर मोह हो गया था। मैं आज विचार कर रहा था इन श्लोकों पर कि नारद जी ने सोचा होगा ऐसी ससुराल मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा ससुर मिल जाए जिसके पास इतना हो तो निश्चित रूप से, क्योंकि शील निधि राजा की बेटी के भाई हैं ये पता नहीं है, उसका वर्णन यहां नहीं है, तो सोचते होंगे कि साले तो है नहीं तो सारा माल बाद में हम ही को मिल जाएगा। महाराज आपको बताए, जिसका उत्तराधिकारी नहीं होता ना उसके चाहने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। जो देखो सोचता है कि शायद ये बुढ़ा मेरे को मरते समय दे जाएगा, शायद मेरे को, जमाई सोचता है मेरे को मिल जाए, भतीजे सोचते हैं मेरे को मिल जाए, अगल बगल वाले सोचते हैं मेरे को मिल जाए, बड़ी दयनीय दशा होती है। उसके प्रति सब लोगों की चाहना होती है शायद मेरे को दे दे, शायद मेरे को दे दे, शायद मेरे को दे दे। तो इनको लगाओ, क्योंकि यहां जो वर्णन है मोहम प्राप्तोत नारद, ये मोह को प्राप्त हो गए उस नगर को देखकर, अभी तो कुमारी को देखा ही नहीं है। और अथ राजा सुतनयाम नामता श्रीमतीम बराम, जब ये बैठे तो महाराज नारद जी का आगमन सुनकर के शील निधि राजा ने इनका स्वागत किया, चरण धोए और रत्न सिंहासन पर इनको बैठाला, दिव्य सिंहासन पर बैठाला, क्योंकि नारद जी का नाम सब लोग जानते थे कि प्रसिद्ध संत हैं। और बाद में अपनी बेटी को सूचना भेजी कि ऐसे दिव्य संत आए हैं, जरा दर्शन कर लो। और जब वो दर्शन करने के लिए आई तो तत्कन्याम प्रेक्ष स मुनि नारद प्राह विस्मिता, महाराज उसके सौंदर्य को देख करके विस्मित हो गए कि ये कौन है, किसकी बेटी है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है, ब्याह की तैयारी हो रही है। और हाथ जोड़ करके राजा ने कहा तस्य तद वचनम श्रुत्वा राजा प्राह कृतांजलि ही, नारद जी की बात सुनकर हाथ जोड़ करके शील निधि ने कहा मेरी दुहिता है, नाम इसका श्रीमती है और हमको अभी कन्यादान करना है, इसके स्वयंवर की तैयारी हो रही है, बड़े बड़े दूर दूर से राजा लोग आए हुए हैं, आप तो ज्योतिष के भी जानकार हैं, इसका जात हमारा संस्कार देख करके, जात कर्म का देख करके, कुंडली देख करके आप बताओ कि इसको दूल्हा कैसे मिलेगा। महाराज देखने लगे, कई जगह तो हाथ देखने का भी वर्णन है। देखो एक महात्मा को ज्योतिष का भी काम नहीं करना चाहिए और ये हस्तरेखा का तो करना ही नहीं चाहिए। बाबूजी मैं सच बताता हूं आपको, अगर मैं हस्तरेखा देखने लगूं ना यहां तो आप रोक भी लगाओगे तब भी पीछे से घुस के चुपचाप आएंगे और कहेंगे बाबूजी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और आते कहेंगे महाराज थोड़ा देखना हमारा भाग्य। सबको महाराज अपने भाग्य दिखाने की चिंता लगी रहती, और हमने महाराज देखा है लोगों की चित्त में, इसलिए महात्मा को इसी बहाने से लोग स्पर्श का सुख ले लेते हैं। कोई हाथ देगा तो ऐसे तो हाथ पकड़ने को मिलता नहीं है, तो कम से कम हाथ हस्तरेखा देखने के चक्कर में हाथ पकड़ने को मिल जाए।
तो वो भी स्पर्श का सुख मिलता है। महात्मा को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महाराज इनके हाथ में जो हाथ आया और इन्होंने जो देखा तो देख करके जान गए कि अरे इसकी रेखा तो इसमें पड़ी है। जो यही बरे अमर सोई होई, जिसके साथ इसका ब्याह हो जाएगा वो अमर हो जाएगा और विश्व में कोई भी उसको जीत नहीं सकेगा। इन्होंने सोचा वाजीवा तो बड़ा बढ़िया है, यदि ब्याह करने से ही अमर हो जाते हो तो फिर क्या दिक्कत है। महाराज रेखा तो ये कह रही थी कि जिसके साथ ब्याह होगा वो पहले से अमर होगा, और ये समझ रहे थे जिसके साथ ब्याह हो जाएगा वो अमर हो जाएगा। ये भ्रम ऐसे ही होता है जी, इनको ऐसे ही भ्रम हो गया। तो तुरंत तो बात बना करके कुछ कहने लगे और बात बना करके कहा कि तुम्हारी कन्या बहुत भाग्यशाली है, सर्वेश्वरो अजितो वीरो, जो सर्वेश्वर होगा और जो अजित होगा जिसको कोई नहीं जीत सकता होगा, और गिरीश के सदृश होगा, भगवान शंकर के सदृश होगा। ये सब गुण अपने में ही देख रहे थे, क्योंकि मैं भी अजित हूँ, काम भी हमको जीत नहीं पाया है, और मैं भी शंकर के समान ही हूँ। अस्या पति ध्रुवम भावी, इसको ऐसा पति मिलेगा जो काम जित सुरोत्तम, वो काम विजेता होगा। ये सोच रहे थे ये सब गुण तो मेरे में ही हैं, और ऐसा बता करके महाराज पता चला कि इस समय तो निश्चित रूप से स्वयंवर हो रहा है। देखो ब्याह की पद्धतियां कई हैं, उसमें स्वयंवर की जो ब्याह की पद्धति है उसमें कन्या अपने वर का चयन कर लेती है, जैसे प्रतिज्ञा वर है, स्वयंवर वर है, वैदिक वर है। एक तो जैसे माता पिता ढूंढकर ब्याह कर दें, दूसरा है कोई प्रतिज्ञा की जाए, जैसे जनक जी ने प्रतिज्ञा की थी कि धनुष तोड़ देगा तो उसको ब्याह करेंगे। ऐसे महाराज अलग अलग ढंग से ब्याह की पद्धतियां हैं। तो इसमें जो स्वयंवर की विवाह की पद्धति थी, नारद जी विचार करने लगे, सौंदर्य व सर्व नारीणाम प्रियम भवति सर्वथा। अब इस लड़की को ही वरण करना है तो प्रत्येक स्त्री को निश्चित रूप से सौंदर्य अपनी ओर खींचता है, सौंदर्य के प्रति आकर्षण होता है सुंदर पुरुष के प्रति। इन्होंने कहा सुंदर बन जाऊं, फिर विचार करने लगे कि सुंदर बनूं तो कैसे बनूं, क्या करूं। तो ये महाराज भक्ति की विशेषता, मुझे ये बहुत भाता है, मुझे रुचिकर भी लगता है। नारद जी को जब सुंदर बनने का मन हुआ तो कहीं अन्य जगह नहीं गए, भगवान के पास गए कि यदि हमको कोई सुंदर बना सकता है तो वही बना सकते हैं। अच्छा कारण इसके पीछे एक और था, ये हमारे ठाकुर जी बड़े पॉलिसी बाज हैं, आपको क्या कहें। आप जरा विचार करो, भगवान शंकर ने इनको मना किया था, ब्रह्मा जी ने भी मना किया था, किंतु विष्णु ने मना नहीं किया और प्रशंसा की। ध्यान रखना, हमको वही व्यक्ति प्रिय है जो हमारी प्रशंसा करता हो। अभी किसी ने एक वाक्य लिख के भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले दर्पण के सामने जब हम खड़े होते, आईने के सामने, तो आईना हमारे दोष दिखाता है कि जो सौंदर्य में कमी है वो दिखा देता है। तो आईने के सामने खड़े होकर हम अपना श्रृंगार कर लेते हैं, अपने दोषों का परिहार कर देते हैं, दोष हटा देते, मानो काले काले धब्बे दिख रहे हों चेहरे में। अब आईने में दिख गए कि काले काले चेहरे में धब्बे हैं, तो महाराज पेंटिंग कर ली। वो मेकअप में और क्या होता है जी, वो पेंटिंग ही है, होती बिल्कुल कुरूप है, किंतु मेकअप जब हो जाता है तो लगता है साक्षात किशोरी जी तो यही है। अगर उनको महाराज ऐसे देख लो तो लगता है बहुत सुंदर है, और घर में देख लो तो डर और जाओ। मैं तो एक बार सचमुच में एक माता जी के पास गया परिवार में मिलने के लिए, तो वो जब देवी जी को देखा, वो हम सदा टेंटिंग पेंटिंग में ही हमको मिलती थी, जब घर में देखा तो हमने कहा कि तुम्हारी छोटी बहन कहाँ रहती है, तो बोले क्यों हमारी कोई छोटी बहन नहीं। मैंने कहा ऐसा लगता है मैं आपकी छोटी बहन से मिलता रहा हूँ, आप जैसा मुखारविंद उनका है। बोले कोई बहन बहन नहीं, मैं ही हूँ। तो हमको लगा कि इतनी जल्दी तुम्हारा चेहरा कैसे खराब हो गया, बोले मेकअप नहीं किया है।
तो ये जो टेंटिंग पेंटिंग वाला चेहरा होता है ना, ये महाराज दर्पण के सामने ही सुधार कर लेते हैं अपना, थोड़ा रंग लेते हैं, थोड़ा स्नो पाउडर लगा लेते हैं कि हम सुंदर लगने। आजकल तो पुरुष लोग भी कर लेते हैं जी, पुरुष लोग भी भंगुए सेट करते हैं। और हमको किसी ने बताया पुरुषों के भी ब्यूटी पार्लर हो गए हैं। क्यों जी, हुए हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं उसको? अरे बाल तो रंगाने जाते हो गए, नहीं रंगाते, वो भी हो गए। तो देखिए एक बात कहें, सुंदर बनने का मन हुआ नारद जी को, किंतु यदि शरण गए तो भगवान की शरण गए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो दर्पण हमारा दोष दिखाता है, उस दर्पण के सामने हम निर्दोष बन जाते हैं, दोष को ढक देते हैं, अपितु दर्पण से हम दुश्मनी नहीं करते, उसको घर से हटाकर बाहर नहीं फेंकते हैं। वैसे जो हमारे दोष बताए उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, उसका अपना प्रिय समझ करके अपने दोषों को हटाने का प्रयास करना चाहिए। किंतु जनमानस की दुर्बलता लगभग नारायण यही है कि उसको अपने दोष बताने वाले लोग पसंद नहीं है, अपनी प्रशंसा ही गाने वाले लोग पसंद है उनको, कि हमारे प्रशंसक हमारे पास में रहें, हमारे सद्गुण गाने वाले रहें। किंतु देखो नारद जी महाराज भगवान के पास गए, कैसे गए? विष्णु लोकम महाराज आसु नारद स्मर विवला, काम विवल हो करके वहां गए और भगवान को प्रार्थना की, कहा कि आपसे ज्यादा हमारा हित चाहने वाला दुनिया में कौन है, क्योंकि मैं ब्याह करना चाहता हूं। भगवान सोचिए, अभी तो कह रहे थे कि मैं तो काम भी देता हूं और अभी ब्याह करने का मन हो गया। बताया कि एक शीलनिधि के नाम के राजा हैं, अपनी कन्या का ब्याह कर रहे हैं, और यदि दास्यति रूपम में तदा ताम प्राप्तुताम ध्रुवम, यदि आप अपना रूप दे दोगे तो निश्चित रूप से हमारे गले में बरमाला पड़ जाएगी। त्वद रूपम सा बिना कंठे जयमालाम न धास्यति। अच्छा जानते थे कि आपके रूप वाले के गले में ही बरमाला पड़ेगी, क्योंकि आपसे ज्यादा दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। आप त्रिभुवन सुंदर हो, किंतु नारायण इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, यहां भी संकेत है और रामचरितमानस में तो एकदम खुल्लम खुल्ला है। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा मन ब्याह करने का है और आप जल्दी से हमको सुंदर बना दीजिए, जेहि विधि नाथ आप कृपा करके हो ये हित मोरा, करहु सुवेग दास में तोरा। जिस प्रकार हमारा हित हो वो आप जल्दी करो। भगवान मुस्करा करके बोले कि नारद जी, संसारियों का मैं हित करता हूं और साधुओं का मैं परम हित करता हूं। जेही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, जिससे परम हित होगा वही मैं करूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा। भगवान झूठ नहीं बोले। देखो ध्यान रखना, गृहस्थ व्यक्ति यदि ब्याह करना चाहे तरुणावस्था संपन्न, तो उसका हित है कि ब्याह उसका हो जाना चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे ब्याह भोग नहीं योग है। आप कहोगे ब्याह भोग नहीं योग क्यों है? जब तक ब्याह नहीं होता ना, तो कोई भी सुंदर पुरुष दिखता है तो उसको, इस लड़की को लगता है ऐसा पति हमको मिल जाए। ऐसे जब तक ब्याह नहीं होता है पुरुष का, तब तक कोई कन्या दिखती है गुण वाली सील वाली, तो उसका होता है ऐसी कन्या हमको मिल जाए। तो बार बार अलग अलग जगह हमारा मन भटकता है कि ऐसा मिले ऐसा मिले, और जब ब्याह हो जाता है तो तब निश्चित हो जाता है कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जैसा मिलना था वैसा मिल गया। तो एक जगह हमारा मन संयमित हो गया कि नहीं, एक जगह मन हमारा रुक गया। तो योग की विधा क्या है? योग की विधा है चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध का नाम ही योग है, योगस चित्तवृत्ति निरोधा। तो संसार की तरफ से चित्तवृत्ति का निरोध हो करके एक जगह अवरोध हो गया, इसलिए ब्याह भोग नहीं योग है।
तो संसारी बालक का यदि ब्याह हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, किंतु कोई बाबा जी बन करके ब्याह करना चाहे तो उसका उसमें हित नहीं है, भगवान उसका ब्याह कभी नहीं होने देंगे। ध्यान रखिए, भगवान गंजे को कभी नाखून देते नहीं हैं, जानते हैं कि अपनी खोपड़ी में मार लेगा। अब जो भगवान की ओर निकल पड़ा है, भगवान से जिसका प्रेम हो गया है, तो कहीं नारी से प्रेम न हो जाए, इसलिए भगवान ने कहा कि जिससे तुम्हारा परम हित होगा वही मैं दूंगा। और साथ में एक बात और भी कह दी कि जैसे कोई वैद्य से कुपथ्य मांगता है तो कोई वैद्य कभी कुपथ्य देता नहीं है। संकेत तो यही था कि इस समय तुम रोगी हो और तुम कुपथ्य मांग रहे हो और हम तुम्हें देने वाले नहीं हैं, एकदम स्पष्ट कह दिया था, किंतु ये मोहित थे तो इसलिए समझ ही नहीं पाए। और जब समझ नहीं पाए तब महाराज कहा कि जाओ तुम, और ये वहां से निकले तो बनने गए थे सुंदर और भगवान ने बना दिया बंदर। अच्छा एक बात बड़ी विलक्षण कहें, सब अंग इनके हाथ पैर सारा आकार तो भगवान के रूप का हो गया था, केवल मुख ही नहीं हुआ था, मुख बंदर के समान था। अच्छा ये बात सबको दिखती नहीं थी, जितने राजा लोग आए थे उनको तो ये नारद जी ही दिखते थे, किसी को नहीं दिखता था, ये केवल भगवान के जो दो पार्षद थे शंकर भगवान के, जो इनकी रक्षा के लिए भगवान ने भेजा था इनके साथ शंकर ने, उनको ये सब दिख रही थी माया। और ये जब गए तो जहां स्वयंवर में वह देवी आने वाली थी उधर ही बैठ गए पंक्ति में, और गर्दन झुका झुका के उठा उठा के सोचे कि मेरे ही डालेगी। अब वो तो इधर देखी नहीं, ये श्रीमान जी उठ करके फिर गए और फिर जाकर दूसरी तरफ फिर गर्दन बढ़ाने लगे, तो उस लड़की को क्रोध भी आया। एक बात बताएं सचमुच में ध्यान रखना, जो भगवान का बंदर बन जाता है फिर भगवान की माया उधर देखती ही नहीं है। अगर भगवान की माया से बचना है तो भगवान के बंदर बन जाओ, संसार के बंदर मत बनो। जैसे भगवान शंकर भगवान के बंदर बन गए, तो जो भगवान का बंदर बन जाता है फिर उधर भगवान की माया देखती भी नहीं है, वो देखती भी नहीं थी महाराज इनकी तरफ। और जब बहुत देर हो गई, बिचारी दुखी हो गई, क्योंकि बार बार आकर के गर्दन उठा रहे थे, सोच रहे कि जो आए क्यों नहीं भगवान, इतने में भगवान स्वयं आए राजकुमार का रूप धारण करके, और उसने तुरंत देखकर मुस्करा करके उनके गले में वरमाला पहना दी, और वरमाला पहना करके तुरंत भगवान लेकर के उसको चले गए। नारद जी बड़े दुखी हुए, सब राजा दुखी हुए, और सोचने लगे कि मेरे साथ ब्याह क्यों नहीं हुआ। तब तक भगवान शंकर के अनुचर जो दो घूमे थे उन्होंने कहा कि जरा मुख अपना दर्पण में देखो। हमारे गुरु जी एक बात कहते थे, हमको बहुत अच्छी लगती है, वो कहते थे कि सावधान, दर्पण स्वयं देखना चाहिए, दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए। दर्पण दिखाना मुहावरा है, आईना दिखाना मुहावरा है। आईना दिखाना माने दूसरों के दोष दिखाना, मुहावरे में दूसरों को दोष दिखाना, कभी भी दूसरों के दोष मत दिखाओ। अगर देखना है तो अपने दोष देखो, अपने आईना देखना चाहिए, दूसरों को आईना नहीं दिखाना चाहिए। भगवान शंकर के अनुचरों ने जो इनको आईना दिखाया और जो महाराज दर्पण में अपना मुख देखा, महाराज मुखम ददर्श मुकुरे, देख करके देखा कि अरे मैं तो बंदर के समान हूं, शिव माया से विमोहित होने के कारण बड़े दुखित हुए, और दुखित होने के कारण कहा कि अच्छा प्रभु तुमने हमारी जगत में उपहास कराई है। अभी कह रहे थे कि भगवान शंकर तो केवल काम विजेता, मैं क्रोध विजेता भी हूं, भगवान की माया ने दिखा दिया बाबा जी, ना तुम काम विजेता हो ना क्रोध विजेता हो, काम के लिए तो कहां कहां नाचे आप, किस किस के सामने नहीं गए, अब क्रोध आ गया। क्योंकि भैया ध्यान रखना ये क्रम है, क्रोध का बाप जो है वो काम है। गीता में लिखा है संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहः,
सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये क्रम है जीवन में नाश का। अगर बचना चाहते हो क्रोध से तो संग से बचो, क्योंकि संग से ही कामना जगती है। अब देखो उदाहरण के लिए, हम किसी विरक्त महात्मा के साथ में जाएं तो हमको कार खरीदने का मन कभी नहीं होगा बाबूजी, उनको लगेगा ये ऐसे घूम रहे हैं। और किसी मंडलेश्वर के साथ जाएं तो जब उसकी महंगी वाली कार देखेंगे और वो फेंट महाराज मुख्य सीट पर बैठा होगा और अपने को डिग्गी में बैठाल दे तो अपने को भी लगेगा भाई कार चाहिए क्या, मैं कार नहीं खरीद सकता, मुझे डिग्गी में बैठाल दिया, मैं अभी कार लेता हूं। ये कामना जग गई। ये कामना क्यों जगी? संग के कारण कामना जगी कि बार कार वाले का संग किया तो हमको भी कार चाहिए। अगर हम किसी विरक्त का संग किए होते तो ये कामना नहीं जगती, कभी नहीं जगती कामना। तो ये कामना का जो जनक है वो संग है किसी के भी। ये तो मैंने एक उदाहरण दे दिया, अन्य कामनाएं भी जनक संग ही है उसका कामना का। और कामना की पूर्ति यदि हो जाती है तो कामना नष्ट नहीं होती और बढ़ जाती है। और कामना की यदि आपूर्ति होती है, कामना में दोनों खतरे हैं, पूर्ति और आपूर्ति में दोनों में कठिनाई है। पूर्ति यदि होती है तो कामना और बढ़ जाती है, और आपूर्ति यदि होती है तो क्रोध आ जाता है। यही हुआ। ये कहते दहीहों श्राप की मरीहों जाई, जगत मोर उपहास कराई। और महाराज भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, वैकुंठ जाना नहीं पड़ा। नारद जी जा तो रहे थे किंतु रास्ते में ही भगवान मिल गए, और अकेले नहीं मिले। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संग रमा सोई राजकुमारी। रमा भी साथ में, लक्ष्मी मैया भी थी और वो भी राजकुमारी भी थी। अंगूठा दिखा करके बोले देख तेरा एक नहीं होने दिया, यहां दो दो लेके घूम रहा हूं, पहले से थी और एक और ले आया। तो और गुस्सा लगी, कमाल की बात है, अरे एक थी तो हमारे पास भी एक आने देते, उसको भी नहीं आने दिया, उसको ले लिया। महाराज बड़े कुपित हुए। यहां तो वर्ण ने बड़ी गालियां दी, हे हरे तुम महादुष्ट हो, तुम महादुष्ट हो, कपटी हो, विश्व मोहन करने वाले हो, दूसरों का उत्कर्ष नहीं सक सकते हो, मोहनी बनकर के असुरों को ठग लिया, देवताओं को अमृत पिला दिया। वो तो हमारे शंकर भगवान थे कि महाराज जो विष निकला था उसको पी लिए, अगर वो पीने वाले विष न होते तब तुमको नानी याद आती, फिर कौन विष पीता, तुम तो विष पीने वाले कभी थे नहीं, तुम तो अमृत चखने चखाने वाले हो, मौज मस्ती में रहने वाले हो। बहुत कुछ गालियां दी, मैं पूरी आपको गाली सुना नहीं रहा हूं। और गाली दे करके कहा कि एक बात कहूं, तुमने हमारा ब्याह नहीं होने दिया, किंतु मैं श्राप देता हूं तुम्हारा ब्याह कन्फर्म। नारी बिरे तुम हो दुखारी। अच्छा, नारी के बिरे में दुखारी कौन होगा? जिसके नारी होगी, उसके बगैर तो दुखारी होने वाला। अच्छा, तुमने हमारा बंदर का मुख बना दिया था, तो करी है किस सहाय तुम्हारी, तुम्हारी किस सहायता करेंगे। हमारे पूज्य पंडित श्री राम किंकर जी महाराज, पंडित जी महाराज कहते थे कि संत को श्राप देना भी नहीं आता है, इसलिए बेफिक्र हो जाना, साधु से किसी का मंगल नहीं होगा। नारद जी भगवान को श्राप दे रहे हैं गुस्सा होकर के, तो कहते जाओ तुमने हमारा ब्याह नहीं होने दिया, तुम्हारा भी अगले जन्म में कभी ब्याह नहीं होगा, अगले अवतार में तुम भी हमारे जैसे रड़ुआ रहोगे। किंतु उन्होंने कहा कि तुम तो नारी की दुखारी होगे, तुम्हारा ब्याह होगा। और कहते तुमने हमारा मुख बंदर का बना दिया था, जाओ तुमको बंदर काटेंगे। किंतु कहते हैं कर यही की सहाय तुम्हारी, और राजकुमार बन करके अपहरण करके लाए थे, इसलिए राजकुमार बन करके ही अवतार लो। महाराज बहुत कुछ कहा, और कहने के बाद जो भगवान ने अपनी माया निवृत्त की, तो महाराज जो माया उनकी गई तो घबरा गए, ये क्या हो गया, अपने इष्ट को ही मैंने गाली दे दी। तो तुरंत चरण कमल पकड़ लिए, और चरण कमल पकड़ करके कहा महाराज मेरे से अपराध हो गया, माया के मोहित होने के कारण क्षमा कर दो। तो कहते हैं जपहु जाय शंकर सतनामा, जाकर शंकर के सतनाम, सतनाम
महाराज सहस्रनाम स्तोत्र का जाकर के जाप करो और काशीवासी बनो। तो वहां गए हैं और वहां से बाद में दर्शन आदि करने के बाद श्री ब्रह्मा जी महाराज के पास आकर के और शंकर भगवान की लीलाओं के प्रश्न पूछे हैं। तो इस कारण से, क्योंकि शंकर की महिमा कितनी है, महिमा जानने के बाद फिर कथा सुनने का रस और बढ़ जाता है। तो कैसे हमारे ब्रह्मा जी महाराज ने नारद जी को निमित्त बना करके भगवान की दिव्य दिव्य लीलाएं सुनाई हैं, उन लीलाओं की चर्चा अब कल होगी। कल बहुत रसीली रसीली कथा है। भगवान इतने उदार हैं कि दीप जलाने वाले को भी राजा बना देते हैं, कुबेर बना देते हैं केवल दीप के जलाने से। और भी कैसे सती के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ और कैसे भगवान शंकर ने सती का परित्याग किया, ये सब चर्चाएं आपको कल सुनने को मिलेंगी। क्योंकि अब तो ये दिव्य दिव्य भगवान शंकर की लीलाएं जो हमारे चित्त को लीन करने वाली हैं, हमारे हृदय को भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, प्रेम से परिपूर्ण करने वाली लीलाएं कल से हम लोगों को सुनने को मिलेगा, जो बहुत रसीली हैं। उन सब का रस हम लोग कल लेंगे। कल प्रातःकाल 9 बजे से आप आकर के रस लीजिएगा। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। अभी हम लोग 2 मिनट के लिए